हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिशा पब्लिकेशन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ रुद्र गौतम एंड टुडे वी विल डिस्कस सेकंड पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग आज बात करने वाले हैं क्या होते हैं फ्रैक्टरनल ट्विन्स, आइडेंटिकल ट्विन्स और सीमेज, ये क्या होते हैं, और साथ ही साथ में प्रीनेटल टेस्ट, प्रीनेटल जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, साथ ही साथ में उसके ऊपर जो एक्ट है और 2021 के जो नए अमेंडमेंट में क्या संशोधित किया गया, इन सभी टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मतलब रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस है उस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं, ताकि आपको आने वाली जो क्लासेस हैं जिसमें मैं आपको डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं, सबसे पहले तो कि क्लोन्स क्या होते हैं, डॉली भेड़ उस कॉन्सेप्ट में क्या हुआ था, और साथ ही साथ जेनेटिक्स से रिलेटेड जब भी हम लोग बात करेंगे जीएमओ एटसेट्रा, तो उन सबसे पहले हमें ह्यूमन बायोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इसीलिए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं इस सेक्शन को। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली चीज़ें एक एक क्लियर करता जाता हूँ। देखिए, आपको ये बात पता होगी कि जो ओवेरी होती है, ओवेरी कहाँ पर है, ये ओवेरी है मतलब अंडाशय, और एक जोड़ी अंडाशय फीमेल में पाई जाती है। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी फेलोपियन ट्यूब वो जगह होती है जहां पर फर्टिलाइजेशन निषेचन की प्रक्रिया होती है, जहां पर अंडाणु और शुक्राणु एग और स्पर्म का मिलन होता है, और इसी लोकेशन पर जब ये 23-23 गुणसूत्र मिलते हैं तब एक कोशिका बनती है, और वही कोशिका बढ़ते हुए 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, और तब तक जब तक 64 सेल्स हो जाती हैं, उसके बाद ये गर्भ में आकर इसके एक आहार नाल से जुड़ जाता है। सिक्स्थ डेज तक आते हुए ये यहाँ पर गर्भ में, वोम्ब में महिला के स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर आपको टू बी प्रेसाइज बात करें तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, यहीं पर ग्रेफियन फॉलिकल्स मतलब ग्रेफिकन पुट्टी का भी पाई जाती है, और यहीं से क्या होता है, एग का निर्माण होता है, जो महिला का सबसे बड़ा सेल के नाम से जाना जाता है। इन जनरल आपसे पूछें कि ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल कौन सी है, तो आप बताएंगे आरबीसी सबसे बड़ी है, लेकिन फीमेल में यदि बात करें तो एग और भी बड़ी सेल होती है, जबकि स्मॉलेस्ट सेल जो होती है मानव शरीर में वो एक स्पर्म होता है, और सबसे लंबी यदि कोशिका की बात करें तो वो तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन सिस्टम की जो सेल है वो कहलाती है। अब देखिए क्या होता है, 12 से 24 घंटे में ये धीरे धीरे फेलोपियन ट्यूब में आता है, और यहां पर आते आते देखिए, जब यदि कोई स्पर्म यहां प्रवेश कर जाएगा, इस लोकेशन पर आएगा, और इसीलिए स्पर्म्स में माइटोकॉन्ड्रियास पाए जाते हैं जो लगातार उसको एनर्जी देते हैं। एक दो या कुछ गिनती के ही स्पर्म्स यहां पहुंचते हैं, और वो इस एग की दीवार को ब्रेक करके और फिर क्या करते हैं, अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, और फाइनली 5.5 से 6 दिन के बाद यहां पर ये जो एंडोमेट्रियम, महिला का जो गर्भ है वो 3 लेयर में बांटा हुआ है। सो जो आउटर मोस्ट होता है उसे बोलते हैं मायोमेट्रियम, सॉरी आउटर मोस्ट जो है दैट इज पेरीमेट्रियम, मिडिल वाला जो पार्ट है वो है मायोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम कहलाता है इनर मोस्ट, और यहीं पर आहार नाल की मदद से जुड़ जाता है गर्भ में जो जाइगोट है, और धीरे धीरे वो क्या करता है, एनर्जी प्राप्त करता है। ब्लास्टोसिस प्रोसेस होता है, अलग अलग अंगों का निर्माण होता है, लिवर का सबसे पहले वहां पर निर्माण होता है, और फिर क्या होता है, वो में गर्भ में बेबी जो है बढ़ता चला जाता है। सो दिस इज होल द प्रोसेस, और यहां पर क्या होता है, ये वो समय है, देखिए टाइम ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए अपनी संख्या को लगातार बढ़ाते रहते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट जंक डीएनए, तो क्या आप मुझे जंक डीएनए की डेफिनेशन बता सकते हैं, क्या होते हैं ये, अभी हाल ही में इनमें बहुत बड़ी रिसर्च हुआ है जंक डीएनए पे, तो क्या आपने वो रिसेंटली वो खबर पढ़ी है, ये करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी के कोर कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए। तो ये आपको मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट, इनर मोस्ट एंडोमेट्रियम, और मायोमेट्रियम मिडल वन, तो इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया है, और यहां पर देखिए ये गर्भ में स्थापित हो जाएगा बेबी। उसके बाद में देखिए क्या होता है, यहां पर कई संभावनाएं हैं कि
ट्विंस यदि होते हैं तो ट्विंस की क्या संभावना है? मान लीजिए किसी ऐसी परिस्थिति में महिला में दो, नॉर्मली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 28 दिन का होता है, उसमें नॉर्मली एक ही एग की मतलब एक ही एग का निर्माण होता है, लेकिन कुछ रेयर केस में दो एग का निर्माण हो गया, मान लीजिए दोनों अलग अलग जगह या एक ही जगह पर दो का निर्माण हो गया और दो दोनों स्पर्म्स ने अलग अलग एग को ब्रेक करके और जो है जायगोट बनाया, तो देखिए ये एग बिल्कुल अलग है, ये स्पर्म बिल्कुल अलग है, ये एग बिल्कुल अलग है, ये स्पर्म बिल्कुल अलग है, तो आने वाले जो बच्चे हैं, जो बेबी हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। मतलब उनके फीचर्स, कई बार बोलते हैं ना ट्विंस एक से जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ट्विंस के बारे में हम लोग देखते हैं वो बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखाई देते, तो वो है फ्रैक्टर्नल ट्विंस। इज इट क्लियर? उन्हें हम लोग क्या बोल रहे हैं? फ्रैक्टर्नल ट्विंस कह रहे हैं। इज इट क्लियर? अब देखिए इस केस में, मतलब ये जो दो बेबी आए हैं वो मेल मेल भी हो सकते हैं, मेल फीमेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है, जब यहां पर ये एग, मान लीजिए ये वन सेल बन गया, एग और स्पर्म मर्ज हो गए हैं, फर्टिलाइजेशन हो गया है, लेकिन बाहर आते आते ये दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक हो गया है ना, 64 के बाद में 64 दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक हो गए और अलग अलग पार्ट पर जुड़ गए, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आइडेंटिकल ट्विंस। एक ही एग एक ही स्पर्म स्प्लिट हो गए इन द मीन पाथ, जब तक वो वूम्ब की दीवार पे टच होंगे, जहां पर एमनियोटिक फ्लूइड होता है। मैं एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में बात करूंगा, व्हाट इज एमनियोटिक फ्लूइड, अभी उस पर भी चर्चा करने वाले हम लोग। तो ये जब इस प्रकार के होंगे तो आपको पता चल गया कि ये जो 26 दिस 26 एंड दिस 23 क्रोमोसोम्स, ये दोनों बिल्कुल सिमिलर होंगे, क्योंकि एक ही जो सेल है उसके स्प्लिट होने से क्या हुआ, ये बेबी बने हैं, और इसीलिए क्या है, ये आइडेंटिकल है। इनके चेहरा फेशियल एक्सप्रेशन काफी हद तक एक जैसे ही आपको दिखेंगे। यहां पर या तो बॉय बॉय ही होगा या गर्ल गर्ल ही होंगे, ऐसा नहीं होगा एक बॉय एक गर्ल हो। इज इट क्लियर? सेमी आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है कि एक ही एग को यदि दो स्पर्म ब्रेक कर दे, तब जब ये ब्रेक होगा इस प्रकार से, तो स्पर्म दोनों के अलग अलग है, तो उसमें कुछ फीचर्स अलग हो जाएगा, और इसीलिए ये सेमी आइडेंटिकल ट्विंस कहलाए गए। यदि एक ही एग में दो स्पर्म ने ब्रेक किया है और वो दोनों स्प्लिट हो गए आगे जाकर, इज इट क्लियर? तो ये स्प्लिट का ये पूरा प्रोसेस आपको यहां पर एकदम क्लियर है। इज इट क्लियर? अभी हम लोग डिटेल में रिटर्न कंटेंट में भी इसको देखेंगे ताकि आपको क्लैरिटी और भी ज्यादा हो सके। सो टू सेल स्टेज जायगोट, जायगोट दो सेल स्टेज का है। बाद में क्या होता है, इनर वॉल पर ये यहां पर अटैच्ड हो जाता है, एमनियोटिक कैविटी होती है, और ये जो एमनियोटिक कैविटी है 12 डेज तक, 12 दिनों तक क्या होती है, ये एमनियोटिक कैविटी इसको प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। और एमनियोटिक कैविटी के साथ आपने एक टर्म सुना होगा एमनियोसिंटेसिस। एमनियोसिंटेसिस क्या होता है, यदि किसी महिला के यूरिनेट में से एमनियोसिंटेसिस नाम का पदार्थ लिक्विड बाहर आ रहा है, इसका मतलब गर्भधारण हो गया है, मतलब द वुमेन इज प्रेग्नेंट। तो ये एक तरीका होता है प्रेगनेंसी टेस्ट करने का, एमनियोसिंटेसिस इज द प्रोसेस, क्योंकि यहां पर वो जो लिक्विड है फ्लूइड वो यहां पर होगा। इज इट क्लियर? और फाइनली देखिए ये जो है ये आस पास ही जुड़े हैं, तो ये कॉमन एमनियोटिक कैविटी, एक ही कैविटी कॉमन एमनियोटिक कैविटी में है, ये दो अलग अलग एमनियोटिक कैविटी में जुड़े हैं। क्योंकि एमनियोटिक कैविटी अलग अलग क्यों है, क्योंकि डिफरेंट आइडेंटिकल जब ट्विन की बात करेंगे तब तो हो सकता है कि वो बिल्कुल पास पास एक ही प्लेसेंटा से जुड़े, लेकिन जब हम लोग फ्रैक्टर्नल ट्विंस की बात करेंगे, फ्रैक्टर्नल ट्विंस का मतलब ये वाला केस, तो नॉर्मली क्या होगा, वो दूर दूर जाकर यहां पर अटैच हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो यहां पर देखिए आइडेंटिकल एंड फ्रैक्टर्नल ट्विंस। फ्रैक्टर्नल ट्विंस में देखिए दो अलग अलग एग, दो अलग अलग स्पर्म्स, और इसीलिए दोनों का प्लेसेंटा अलग अलग लोकेशन पे है। इज इट क्लियर?
जबकि आइडेंटिकल में क्या होगा, क्योंकि वो बिल्कुल गर्भ में जब आएंगे उस समय पर दोनों का स्प्लिट होगा, इसीलिए ये क्लोज अटैच्ड हो जाएंगे और हो सकता है एम्बिलिकल कॉर्ड सिमिलर एमनियोटिक सैक वाले पार्ट में जुड़े। तो यहां पर जो प्लेसेंटा है जिसे आहार नाल कहा जाता है वो लगभग कॉमन आहार नाल से भी जुड़ सकते हैं। यहां पर ये जो बेबी हैं ये हैं साइमेज बेबी, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कई बार क्या होता है कि जो ये एग है वो पूरी तरह से अलग अलग सेपरेट ना होकर कुछ पार्ट जुड़ा रहता है, और जब बेबी आते हैं तो वो या तो ब्रेन वाले पार्ट से, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड वाले पार्ट से, या फिर चेस्ट वाले पार्ट से इस प्रकार जुड़े हुए आते हैं। तो देखिए ये तो हो गया अर्ली स्प्लिट। यदि अर्ली स्प्लिट हो जाएगा तो सेपरेट देखिए जर्मिनेट हो रहे हैं, लेट स्प्लिट होगा तो कुछ इस प्रकार से सिमिलर, ठीक है। तो अर्लियर स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल जायगोट अकर्स मोर इंडिपेंडेंटली देन ट्विंस विल डेवलप। तो यहां पर ये मोर इंडिपेंडेंटली, और इनको पोषण जो न्यूट्रिशन से वो भी सेपरेटली मिल रहे हैं, तो ये एक ज्यादा हेल्दी कंडीशन में होंगे। इज इट क्लियर? और ये देखिए अर्ली स्प्लिट दोनों सेपरेट हो गए, लेट स्प्लिट दोनों जो है लेट स्प्लिट हो रहे हैं। इज इट क्लियर? तो एक ही एमनियोटिक सैक में हो रहे हैं। तो वन एग वन स्पर्म से सिमिलर प्लेसेंटा कई बार बनता है, और यदि टू एग टू स्पर्म से डिफरेंट सेपरेट प्लेसेंटास बनते हैं आहार, जो इनके जो बेबी की जो आहार नाल होती है जो मदर के गर्भ से जुड़ी होती है वो सेपरेट होंगे। तो ये फ्रैक्टर्नल, जिनके फीचर्स भी अलग अलग होंगे, आइडेंटिकल में सिमिलर होंगे काफी हद तक फीचर्स। इज इट क्लियर? तो अब आपको यदि यहां तक सारी बात एकदम समझ में आ गई है तो हम लोग अब बात करते हैं आगे की। इज इट क्लियर? तो चलिए आगे की बात कर लेते हैं। यस, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे आइडेंटिकल ट्विंस कब होंगे, जब स्पर्म और एक्सेल मिलते हैं, निषेचन होता है और जायगोट बनता है। तो कई बार क्या होता है, कई महिलाओं में ऐसा देखा जाता है कि भ्रूण दो तीन या चार अलग अलग भागों में विभक्त हो गया, और उसके अलग अलग लोकेशन पे गर्भ में जुड़ जाने से अलग अलग बच्चों का जन्म होता है। तो यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है आइडेंटिकल ट्विंस। और इसका एग्जाम्पल हमने देख लिया, दिस वन एग वन स्पर्म कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर? तो ये आइदर बोथ ब्रदर्स होंगे या बोथ सिस्टर्स होंगे, ऐसा नहीं होगा कि वन मेल वन फीमेल, ये कॉम्बिनेशन नहीं होता। इज इट क्लियर? तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में कई बार आपने ये भी देखा होगा फोर बेबीज भी हुए हैं, है ना, फोर बेबीज भी हुए हैं। तो देखिए स्पर्म एग जाइगोट एम्ब्रियो बना, जाइगोट के बाद जो प्रोसेस है वो एम्ब्रियो भ्रूण बनता है, और वहां से डिवीजन स्टार्ट होता है, और दो अलग अलग बॉडी 64 सेल अलग अलग जगह पर स्थापित हो गई, ठीक है, गर्भ में। फ्रैक्टर्नल ट्विंस की बात करें, फ्रैक्टर्नल ट्विंस तो यहां पर देखिए अलग अलग स्पर्म सेल से अलग अलग जाइगोट बने, तो अलग एग है और अलग स्पर्म है, उनसे जो बेबी बने हैं वो फ्रैक्टर्नल है, उनके फीचर्स एक जैसे नहीं होते हैं, वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट होते हैं, वो ब्रदर ब्रदर, ब्रदर सिस्टर या सिस्टर सिस्टर होते हैं। इनमें गुणों की, जो कैरेक्टरिस्टिक्स की, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी नहीं पाई जाएगी, और ये इस प्रकार से दो एग का दो स्पर्म, ऐसा भी हो सकता है थ्री एग्स हो जाए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, तो ये फ्रैक्टर्नल ट्विंस हैं। तो देखिए बिल्कुल सेपरेट स्पर्म सेपरेट एग, और इनके मिलने से जो दो अलग अलग बॉडी बनी है गर्भ में वो क्या कहला रही है, फ्रैक्टर्नल ट्विंस। और साइमेज ट्विंस क्या है, स्पर्म सेल मां के एग सेल के साथ मिलते हैं, निषेचन होता है, तो जो स्पर्म सेल है वो एग से जुड़ गए, उसके बाद देखिए क्या होता है, एक समय के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाना चाहिए था बॉडी को, लेकिन किन्हीं रीजनों से, किन्हीं कारणों से सेपरेट पार्ट नहीं हो पाते, और इसीलिए क्या है, वो दो बच्चे बेबी जुड़े हुए जो 42 वीक्स के बाद में जब वो इस दुनिया में आते हैं, तो वो या तो रोम्बसेन कार्पेल, मतलब जो पश्च मस्तिष्क है वहां से जुड़े हुए, या फिर स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े हुए, ब्रेन से, ब्रेन वाले पार्ट से जुड़े हुए, इस प्रकार से जो आते हैं। तो ये जो जुड़े हुए एक ही बेबी होता है, मतलब ये बॉडी हो गई और दो अलग अलग मुख है, और ये कुछ सालों तक
आपने ऐसे कई केस देखे होंगे 12 साल 14 साल तक जिंदा रहे, उनका ऑपरेशन करने की कोशिश की गई, वो बच्चे की डेथ भी हो गई। तो इनकी आयु बहुत लंबी नहीं हो पाती है क्योंकि यहाँ पर डिस्प्यूट आपस में, बॉडी दो ब्रेन है तो इनमें डिस्प्यूट होना स्टार्ट हो जाता है इंटरनली, है ना। तो ये देखने को मिला है। तो ऐसा एक केस था जो बहुत लंबे साल तक जिया भी, वो 14-15-16 ईयर्स तक मैंने जो देखा था उसमें 14-15-16 ईयर्स तक जो है इस प्रकार के केसेस अलाइव रहे हैं। अब बात आती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब कि जो परखनली बेबी है, परखनली टिश्यू में क्या होता है, परखनली जो पूरा प्रोसेस है उसमें क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी में, अंडाशय में से एग को निकाला जाता है। कैसे निकाला जाएगा, यहां पर देखिए पूरा प्रोसेस आपको दिया गया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन गोंडाट्रोपिन, और ये क्या करता है मेल और फीमेल में, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी मदद से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन को स्त्रवित करवाने में मदद करता है। और इसके सिडेशन से, इसके मैच्योरेशन के बाद, इंजेक्शन लगाने के बाद में सिडेशन होता है, फाइनली बहुत सारे एग्स को रिट्रीव कर लिया जाता है और फिर सिमंस का कलेक्शन मेल से कर लिया जाता है और इनको डिस्क में या फिर इलेक्ट्रोफोरोसिस प्रोसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इलेक्ट्रोफोरोसिस प्रोसेस से क्या किया जाता है, जो एग्स हैं उनमें गति पैदा करके और इन एग्स को ब्रेक करवाया जाता है। और ये एक एक ऐसे एनवायरनमेंट जहां पर क्या होता है, पूरी तरह से इनको पोषण, इनको न्यूट्रिशियस डायमेंशन में, डिस्क वगैरह में, पेट्री डिस्क इत्यादि में न्यूट्रिशियस वेव से के साथ में इन्हें क्या किया जाता है, प्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन किया जाता है। और इस रिप्रोडक्शन की जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो अल्टीमेटली इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है इन द वूम ऑफ फीमेल, तो महिला के गर्भ में क्या कर दिया जाता है, इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। और यहां पर क्रायो प्रिजर्वेशन भी बताया गया है कि कई बार क्या है, क्रायो प्रिजर्व करने का मतलब कि उसमें कोई डिफॉर्मिटीज ना आए, क्रायो प्रिजर्व जब कर लेते हैं तो पूरी तरह से एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में, जिसमें हम कह सकते हैं किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट ना आए। जैसे आपने सुना होगा किसी भी सिमन को क्रायो प्रिजर्व कर लिया जाता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यहां पर इसको नाइट्रोजन में रखा जाता है ताकि क्या हो सके। इसी प्रकार से जो बैल, मतलब जो बुल इत्यादि है, उनके सिमन को यहां पर रखा जाता है। इज इट क्लियर, तो दिस इज होल द प्रोसेस। और यहां पर देखिए फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन, कई बार क्या होता है फीमेल के अंदर वो प्रोसेस नहीं होता कि वो फर्टिलाइज्ड कर सके अपने गर्भ में, फर्टिलाइज्ड कर सके फैलोपियन ट्यूब में, और ये स्थिति नहीं होने की वजह से क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली इन विट्रो कांच के उस ग्लास में ये रिप्रोडक्शन करवाया जाता है। सो दिस इज हेयर द सेल डिवीजन प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। यूट्रस में एम्ब्रियो बनता है, राइट, यूट्रस में एम्ब्रियो विकसित होना स्टार्ट हो जाता है और यहां पर इलेक्ट्रोफोरोसिस, पेट्री डिश, अलग अलग टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है। और सबसे पहले पैट्रिक स्पैक्टो और रॉबर्ट एडवर्ड्स ने 1978 में IVF टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली करके दिखाया। और ये प्रक्रिया जो निषेचन प्रक्रिया है, जैसे आपने सुना होगा जो मेंढक होता है फ्रॉग, उसमें किस प्रकार की प्रक्रिया है, एक्सटर्नल सेक्सुअल एक्टिविटी, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है, क्योंकि मेल जो होता है, फीमेल अपने एग जो है वो एक्सक्रीट कर देती है और मेल उसके ऊपर अपने स्पर्म्स रिलीज कर देता है। तो ये मादा के गर्भ में नहीं हो रहा जिस प्रकार से मैमल्स में होता है, इवन जो हैन है, मुर्गी है, उसमें भी क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। तो ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इलेक्ट्रोफोरोसिस प्रोसेस, पेट्री डिश इत्यादि में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, इन स्पर्म्स को मूव करवाकर उस एग को ब्रेक करवाते हैं, उनका जब रिप्रोडक्शन मतलब फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं वो, उसके बाद में मदर के वूम में प्रवेश करवा दिया जाता है। तो पहला ऐसा केस लुइस ब्राउन था विश्व में 1978, दोनों डॉक्टर्स के नाम डॉक्टर पैट्रिक स्पैक्टो और रॉबर्ट एडवर्ड्स, ये नाम याद रखने। भारत में जो दुर्गा है वो पहली
ऐसी टेस्ट ट्यूब बेबी थी जो भारत में, ठीक है, पैदा हुई। तो ये पूरा जो प्रोसेस है आई थिंक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पिट्यूटराइन ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड कहलाती है, सभी ग्लैंड्स पर नियंत्रण रखने का काम करती है। IVF जो टेक्नोलॉजी है उससे ऐसी मदर हु कैन नेवर बी प्रेग्नेंट उनको चिल्ड्रन मिल जाते हैं। स्टेम सेल जो टेक्नोलॉजी है टोटिपोटेंट, जिससे सभी अन्य कोशिकाओं का, सेल्स का निर्माण होता है, अंग्स का, ऑर्गन का निर्माण होता है, तो स्टेम सेल सबसे ताकतवर सेल होती है और उसकी मदद से क्या है हम कई प्रकार के रोगों को, नए प्रकार के अंगों के निर्माण करने में, तो IVF टेक्नोलॉजी से इसमें भी मदद मिलेगी। क्लोनिंग में मदद मिलती है, हम लोग जो है नस्लों को सुधार कर सकते हैं। पोषण में बहुत ही, पोषण का मतलब न्यूट्रिशियस जो साइकिल है, मतलब जो GMO क्रॉप्स वगैरह हैं, तो उनमें हमें बहुत तेजी से एक रिवोल्यूशन देखने को मिल सकता है इसी IVF टेक्नोलॉजी की मदद से, क्योंकि हम दो क्वालिटी ब्रीड्स को मर्ज कर सकते हैं और उससे क्या होगा हेल्दी रिप्रोडक्शन और लार्ज स्केल पर रिप्रोडक्शन, जिसमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, जेनेटिक रिसर्च को यहाँ पर बढ़ावा मिल सकता है। और चुनौतियाँ क्या है, देखिए इसका मिसयूज किया जा सकता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी ट्रांसफर की जा सकती है, या फिर मेल, आपको पता ही है इंडिया चाइना में देर इज मेल शॉविनिज्म, मेल डोमिनेशन इज मोर इन सोसाइटी, और इसीलिए क्या है मेल सेक्स डिटर्मिनेशन आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो ये, और अभी जो है इसकी जो कॉस्ट है वो इतनी अफोर्डेबल नहीं है कि एक आम आदमी इसको अफोर्ड कर सके, इज इट क्लियर, तो आम आदमी इसे अफोर्ड नहीं कर पाता, तो ये कुछ इसकी कमियां हैं, इज इट क्लियर। चलिए, जब हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं प्रीनेटल टेस्ट, सॉरी, जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं कि किस प्रकार से रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, फ्रैक्टरनल ट्विंस क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस क्या है, साइमेस क्या है, सेमी आइडेंटिकल ट्विंस क्या है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्री कॉन्सेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, जिसमें आपको पता होगा कि हम लोग सोनोग्राफी इत्यादि करके अल्ट्रासाउंड की मदद से हम आसानी से इवन एमनियोसिंथेसिस, इससे भी मेल फीमेल का निर्धारण किया जा सकता है, जिस एमनियोसिंथेसिस प्रोसेस की मैं बात कर रहा था। तो ये जो प्रोसेस है इस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी था और 1994 में PCPNDT एक्ट के तहत इन सबको बैन किया गया कि कोई भी डॉक्टर इस प्रकार से पाया जाता है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसको खारिज कर दिया जाए, उसके ऊपर चार्जेस लगाए जाए, राइट, तो अलग अलग उनके ऊपर जो है प्यूनिटिव चार्जेस लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है जो लगातार जो ये सेक्स रेशियो बढ़ता जा रहा है मेल फीमेल का, इस पर बैन लगाया जा सकता है, प्रतिबंध किया जा सकता है। PCPNDT टैक्स जो ये टेक्निक है 1994, इसके तहत क्या है पाबंदी है कि कोई भी डॉक्टर लैब कर्मी इस प्रकार से पाया गया उनका जुर्माना, उनके रजिस्ट्रेशन को खारिज कर दिया जाएगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में भी PCPNDT के दायरे में है, ऐसा नहीं होगा जो रेंडमली मेल फीमेल, मतलब ये तो बिल्कुल कैलकुलेटिव हो सकता है कि मेल होगा या फीमेल, लेकिन वो रैंडम प्रोसेस को यूज करते हैं। तो ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक है उसमें भी ऐसा ना हो कि ये एक बहुत बड़ा सोसाइटल स्टिग्मा बन जाए कि केवल और केवल मेल या फिर पुरुष चाइल्ड की ही डिमांड कर रहे हों जो पेरेंट्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या परखनली शिशु का प्रयोग कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर बहुत से कानून बने हैं समय समय पर कि कितना समय तक या किस वीक, कितने वीक तक, कितने महीने तक जो गर्भ है उसको अबॉर्ट कराया जा सकता है। तो दुनिया के अलग अलग देशों में कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, आप पॉज करके ये सब पढ़ सकते हैं, ये सभी देशों के अपने अलग अलग कानून हैं। भारत में जो मौजूदा कानून है वो देखिए क्या है, तो रिसेंटली देर इज एन अमेंडमेंट, हाल ही में एक संशोधन हुआ और इसे बोलते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो देखिए पहले क्या लॉ था अब क्या लॉ है, तो ध्यान से देखिए, मैटरनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के तहत ओनली अप्लाइज टू मैरिड वुमेन, ये केवल और केवल मैरिड वुमेन पर ही अप्लाई हुआ करता था।
आज की तारीख में अनमैरिड विमेन, इवन जो रेप सर्वाइवर हैं उन पर भी अप्लाई होता है। तो ये अमेंडमेंट अभी किया गया 2021 में, रिसेंटली ये बिल जो है अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। 20 वीक फॉर ऑल इंडिकेशन, मतलब मैक्सिमम 20 वीक्स है, जिसमें क्या होगा, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, मतलब जो डॉक्टर है, यदि 12 वीक के अंदर अंदर गर्भ को अबॉर्ट करवाना है, गिरवाना है, मेडिकली टर्मिनेट करवाना है, उस केस में 12 वीक तक या उससे पहले करवा लेते तो एक ही मेडिकल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेटिव जो है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर उसकी आवश्यकता होगी। लेकिन 20 वीक तक के लिए 2 आरएमपीज की आवश्यकता होती थी, ये था 1971 में, एमटीपी लॉ याद रखना है ना, मीजा एक्ट वगैरह आपने जरूर सुना होगा, तो शॉर्ट नोट लिख दीजिए मीजा एक्ट क्या था, आपको याद आ रहा होगा। एक समय ऐसा भी था जब इंदिरा गांधी जी थी और उस समय पर बहुत ही इंपॉर्टेंट नसबंदी अभियान चलाए गए थे, उस समय पर 1,000 रुपए का जुर्माना है यदि इस प्रकार की चीजें नहीं, किसी प्रकार से महिला की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है कि जिसने अबॉर्शन करवाया है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को, उसकी गोपनीयता को कोई रिलीज कर देता है आम पब्लिक में, तो फिर ये जुर्माना उस पर लगेगा। करंट अमेंडमेंट में क्या है, आजकल देखिए रेप केसेस सर्वाइवर जो हैं वो यदि चाहते हैं कि 24 वीक तक भी, तो रेप सर्वाइवर के लिए 24 वीक तक का ये मतलब चीजों को बढ़ा दिया कि 24 वीक तक भी, 24 वीक का मतलब आप समझ रहे होंगे, टू बी पॉइंट यदि बात करूं, 12 वीक का मतलब क्या होता है, 12 वीक का मतलब होता है सीधा सीधा 3 मंथ, राइट, 16 वीक का मतलब होता है 4 मंथ, और यदि मैं बात करूं 20 वीक दैट मीन्स 5 मंथ। देखिए ये जो मंथ्स हैं जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, इन केस 20 या 20 के बाद में अबॉर्शन करवाया जाता है, दैट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट कैन बी कॉज मैटरनल मॉर्टेलिटी, इसके कारण माता की मृत्यु भी हो सकती है, ये बहुत ही क्रिटिकल होता है। और इसीलिए देखिए ये जो 20 से 24 वीक का जो समय है ये अपने आप में क्रिटिकल फेज है एक मदर के लिए, गर्भ को तो अबॉर्ट करवाना ही है, दैट दे हैव फाइनली डिसाइडेड, लेकिन फीमेल पर एक बहुत बड़ा दिक्कत आ सकता है। और इसीलिए देखिए यहां पर देखिए वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर स्टिल 20 वीक, 20 वीक तक है एक ही डॉक्टर की आवश्यकता है, 20 से 24 अभी बढ़ा दिया गया है उसमें 2 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की आवश्यकता है, ठीक है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नॉट एग्जैक्टली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, इट इज रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, टू बी पॉइंट बात करूं तो डॉक्टर की बात कर रहे हैं जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है। मेडिकल बोर्ड की आवश्यकता होगी इन केस 24 वीक से ज्यादा के बाद, 24 वीक का मतलब आप समझ लीजिए 6 मंथ और उसके बाद तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल है, यदि उसको अबॉर्ट किया जाता है तो जो है मदर के हेल्थ स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। सो ऐसा कुछ किया जाएगा तो मेडिकल बोर्ड 3 या उससे ज्यादा मेंबर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि क्या वाकई में करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, क्या इंपैक्ट हो सकता है, और यदि कॉन्फिडेंशियलिटी को लूज किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, तो 1 साल का इंप्रिजनमेंट और फाइन ये हो सकता है। सो दिस इज होल अबाउट द रीसेंट अमेंडमेंट इन द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहां पर आपको ये पूरे जो पॉइंट्स हैं, टू बी पॉइंट यहां पर आपको दिए गए हैं, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप बता सकते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3.1, 3.7, 5.6, राइट, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिसमें हम लोग मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो को मेंटेन करना, हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स को सुधारना, सेक्सुअल यूनिवर्सल एक्सेस टू सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोवाइड करना, 5.6 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपने सुने होंगे, SDGs जिनके टारगेट्स जो हैं 2016 से 2030 तक के टारगेट्स हैं, और यहाँ पर 17 डिफरेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनको आप हमेशा मेंशन कीजिए जब भी अपने आंसर्स लिखते हैं। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज इट क्लियर। तो इस प्रकार से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, आपको ये पूरा का पूरा ब्रीफ में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं,
और यहां पर किसी कारण से यदि बेबी बच्चा गर्भ में डिफॉर्मेटिव केस में है, यदि मान लीजिए वो गर्भ में ही डाइड हो गया, डेथ होगी बच्चे की, उस केस में तो समय समय पर आपको पता होगा फीमेल अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी इत्यादि कराती ताकि पता चल सके कि पोजीशन क्या है। उस केस में ऐसा ना हो कि गर्भवती महिला के जीवन को खतरे में डाला जाए और मानसिक और शारीरिक रूप से कोई महिला स्वस्थ नहीं है एंड शी इज प्रेग्नेंट, उस केस में क्या है टर्मिनेशन करवाया जा सकता है। तो ये सारे कानून बहुत जरूरी होते हैं किसी भी देश में, क्योंकि जिस प्रकार से रेप केसेस हैं वहां पर डिसीजन बहुत ही आनन फानन में नहीं लिया जाता, तब टर्मिनेट करना है नहीं करना, अबॉर्ट करना है नहीं करना, ये सारे जो प्रोसेस हैं उनको पूरी तरह से एक एक्ट बनाया गया था 1971 और अब इसमें संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है 2021 एंड दैट आई हैव डिक्टेट विद यू। तो ये पॉइंट्स जो संशोधन हुए हैं आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, मेंस में आप लोग आंसर लिख सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पॉइंट्स के तौर पे आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। वन की आवश्यकता है, टू की आवश्यकता है, मेडिकल बोर्ड की आवश्यकता है फॉर द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अपर जो लिमिट है जेस्टेशन, जेस्टेशन पीरियड आपको पता ही है 270 to 280 डेज होता है, लेकिन 6 month दैट मीन्स 24 weeks यहां पर क्या होता है मदर के लिए इट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स। इज इट क्लियर? कई बार क्या होता है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं या फिर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स जिसका प्रयोग किया जाना चाहिए था वो प्रॉपरली इफेक्टिव रूप से काम नहीं कर पाया। कई बार हम लोग देखते हैं जो जो कॉपर टी है या बहुत सी इस प्रकार की जो प्रोसेसेस हैं उसमें यदि इन केस दैट वॉज नॉट सक्सेसफुल एंड ड्यू टू दिस रीजन देर इज अ प्रेगनेंसी, तो उस केस में जो है बच्चों को लिमिट करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस एमटीपी के तहत एबॉर्शन किया जा सकता है। एबॉर्शन के पीछे देर शुड बी अ रीजन और वो पूरी तरह से है ना डिस्कस होता है पॉइंट वाइज पर, ठीक है। तो मिसकैरेज कब होगा, 20 वीक के समय जब प्रॉपरली क्या होता है एगयॉल्क वो ब्रेक हो, तो स्टार्टिंग के मंथ्स दैट इज वेरी टिपिकल। स्टिल बेबी बर्थ 20 वीक के बाद यदि भ्रूण नष्ट हो जाए तो स्टिल बेबी बर्थ कहलाता है, मतलब यूट्रस में ही जो है बच्चा की मृत्यु हो जाती है और वो मां के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक। प्रीमेच्योर बेबी 37 वीक से पहले यदि कोई बच्चा का जन्म होता है दैट मीन्स लगभग जो है 7 या 8 month में, तो दैट विल बी प्रीमेच्योर बेबी। और एबनॉर्मल, और यहां पर देखिए अल्टीमेटली नॉर्मल बेबी क्या होता है 42 वीक्स के बाद का जो बेबी होता है वो नॉर्मल बेबी कहलाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको एग्जैक्टली क्लियर होने चाहिए। आई थिंक ये पूरी डिस्कस जो क्लास की गई है वो आपको एकदम क्लियरली पॉइंट समझ में आए होंगे और हम लोग अगली क्लास में बहुत डिटेल में बात करेंगे अबाउट द क्लोन, अबाउट स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, व्हाट आर द नॉर्मल सेल्स है ना, टोटिपोटेंट सेल्स क्या होते हैं, मल्टीपोटेंट सेल क्या होते हैं, प्लूरीपोटेंट सेल क्या होते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर जो आर्टिफिशियल लाइफ का कॉन्सेप्ट क्या है और साथ ही साथ में हम लोग बात करते हैं कि पुनर्जन्म की फिर से जीवन वापस से जन्म लिया जा सकता है, री लाइफ मिल सकती है, तो वो कॉन्सेप्ट किस प्रकार से स्टेम सेल टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है, किस प्रकार बेलफोर्ड नाम की जो संस्थान है उसने आज भी डेड बॉडीज को क्रायो प्रिजर्व करके रखा हुआ है ताकि एक बार फिर से जन्म जो है जन्मित किया जा सके उन लोगों को जिनके ब्रेन जिनके पूरी पूरी बॉडी बेलफोर्ड नाम की ऑर्गेनाइजेशन में स्टोर्ड है। तो हम लोग इस सेक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे, ये मैं बेसिक पॉइंट्स बता रहा था, नेक्स्ट क्लास विल बी 2B पॉइंट एंड टेक्निकल सेक्शन आगे और भी ज्यादा आएगा। सो थैंक यू सो मच आज के लिए एंड विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। जय हिंद दोस्तों।